लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर में 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। वोटिंग के एक दिन पहले से ही चुनाव कर्मियों को बूथ पर पहुंचने और चुनाव सामग्री ले जाने के लिए आपली बसों की सेवाएं ली जाएंगी। इस वजह से शहर में 18 और 19 अप्रैल को सीमित मार्गों पर ही आपली बस दौड़ेंगी। 20 अप्रैल से आपली बस सेवा पूर्ववत दौड़ेंगी। ऐसे में रोजाना बस से सफर करने वालों को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। मनपा परिवहन विभाग के प्रशासक और अधिकारी रविंद्र पागे ने बयान जारी कर बताया कि चुनावी कर्मियों को पोलिंग बूथ पर ले जाने और लाने के लिए मनपा की तरफ से 365 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। वोटिंग के एक दिन पहले से ही बसों को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इस वजह से शहर भर में 2 दिनों तक 1/4 के करीब ही बसें दौड़ पाएंगी। 1974 से चला रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस अकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी में टीचर्स 11th 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CET के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस अकेडमी, जो है वानकर भवन दीक्षा भूमि, साउथ अंबाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9323554407 और 7218565939।